सोलन के दाला घाट में एक अनियंत्रित ट्रक ने करीब 11 खड़े वाहनों को रौंद डाला और उसके बाद खुद भी पलट गया। जब चालक को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक व्यक्ति भी इस ट्रक की चपेट में आ गया, जो गंभीर रूप से घायल था और जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तो उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब यह घटना घटी तो काफी रात हो चुकी थी, जिसकी वजह से ज्यादातर सड़कें सुनसान थी और गाड़ियां खाली थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन अगर यह हादसा कुछ घंटे पहले होता तो इससे भारी तबाही हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और चालक की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार यह ट्रक बेहद रफ्तार में था और मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण न रख सका और एक एक कर करीबन एक दर्जन भर वाहनों को रौंदता हुआ यह आगे बढ़ता रहा और अंत में ट्रक खुद ही पलट गया। ट्रक चालक इतना शातिर था कि जैसे ही ट्रक पलटा वह ट्रक से निकलकर भागने में कामयाब हो गया। इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में हैं और अपने नुकसान को लेकर चिंतित भी दिखाई दे रहे हैं। आखिर अब उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा? इस मामले की जिला पुलिस अधीक्षक सोलन मोहित चावला ने पुष्टि की है और बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। चालक मौके से फरार है। फिलहाल इस घटना में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और घटना किन कारणों से हुई है यह पता लगाया जा रहा है।